ये वही मूली है जिसको डेढ़ हफ्ता पहले भी जिसकी वीडियो दिखाई थी, अब और हम इसको इंशाल्लाह ताला आज इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, या आज या कल, और हम कल या परसों इसको मंडी में ले जाएंगे। वही असूल पिकनिक के ज़मीन की तैयारी में माइक्रोब्स को किस तरह पैदा करना है, ज़िंदा रखना है, आगे लेके जाना है, और उनको कैसे हिफाजत करनी है, और सारे प्रोसीजर्स वही हैं जो इन लेटर एंड स्पिरिट इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। वही हमने किया, उसी हवाले से हमने बेड्स और फरोज और इसके पूरे सिस्टम को यहाँ पर चलाया, आगे लेकर गए और मेंटेन किया, और किसान के लिए भी आसानी। जैसे ये मेरे साथ होते हैं मुनव्वर, क्यों जी मुनव्वर, सिर उस तो बाद कुछ नहीं ना करना पे, सुकून रहा ना। अब देखिए उसके लिए भी आसानी, एक दफा लगाया फिर उसके बाद इसको मेंटेन किया, कोई खाद, कोई पेस्टिसाइड, कोई वीडिसाइड, कुछ नहीं, उधर तक फैले। और एक मूली की उस इन पवाड़ों के उस साइड पर है, एक यहाँ पर है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे जमीन में जब हम उसकी कुदरती हयात को एक खास तरीके से आगे चलाते हैं तो कैसे कुदरत अपने खजाने उगल देती है। ये वो मूली का दूसरा हिस्सा, वो बीच में आपको प्याज की पनीरी भी नजर आ रही है जो 2 एकड़ के ऊपर फिर पिकनिक भी शिफ्ट होगी, और ये वो मूली का वो हिस्सा। इर्द गिर्द से लोग देखने इधर आ रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि बगैर खाद, बगैर पेस्टिसाइड उसके इस तरह ये हो रहा है।